तो दोस्तों नमस्कार। पहले आप सभी का धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में सहयोग करने के लिए। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ। 25 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ और उसके आंसर मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, है ना। तो पहले आप 1 से 25 तक आप एक कुछ सीरीज़ लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 25 तक, और उसके बाद आप लास्ट में चेक करिएगा कि आपके कितने आंसर सही है, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। नवीन है मेरा नाम और वीडियो में चलते हैं। पहला, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट शेड्यूल फॉर रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, द नर्स शुड बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर। क्वेश्चन क्या है कि एक नर्स जो केयर कर रही है जिसका रिमूवल होने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको कौन सी चीज़ के लिए अलर्ट रहना है? नेजल कंजेशन के लिए, एब्डोमिनल टेंडरनेस के लिए, मसल्स टिटानी के लिए, या ओलिगो यूरिया के लिए? ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आपने जो पेपर लिख ले रखा उसमें लिखिए। और हाँ, पहले मत जाइएगा एंड में, देखते देखते जाइएगा एंड में। नाउ दूसरा क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद अ कैंसर इज एडमिटेड टू द ऑन्कोलॉजी यूनिट, स्टेट लैब वैल्यूज रिवील हीमोग्लोबिन 12.6 ग्राम, WBC 6500, पोटेशियम 1.9, यूरिक एसिड 7.0, सोडियम 136, प्लेटलेट 178,000। द नर्स एवेल्युएट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं, पेशेंट है, क्लाइंट है जो कैंसर से एडमिट हुआ है ऑन्कोलॉजी यूनिट में, उसके कुछ स्टेट लेबोरेटरी वैल्यूज़ हैं जो आपको दे रखी है, इससे नर्स क्या एवेल्युएशन करेगी कि पेशेंट को क्या हो रहा है? क्या हाइपर नेट्रेमिया हो रहा है, मतलब सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, हाइपोकैलेमिया हो रहा है, पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, माइलो सप्रेशन हो रहा है, या ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है? आंसर आप पेपर में लिखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अ 24-year-old फीमेल क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी इन द मॉर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। क्वेश्चन क्या है कि एक फीमेल है जो मॉर्निंग में उसकी सर्जरी शेड्यूल्ड हुई है, तो नर्स की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? पहला, वाइटल साइंस लेना, ऑब्टेनिंग द परमिट, परमिशन लेनी, एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, और चेकिंग द लैब वर्क। इस आंसर को आप लिखिए। और एक और चीज़, अगर आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, क्या इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए, तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपके लिए और हर डे 25-25 क्वेश्चन ऐसे लाता रहूंगा विद इमेज। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज वर्किंग इन द इमरजेंसी रूम व्हेन अ क्लाइंट अराइव्स विद अ सीवियर बर्न ऑफ द लेफ्ट आर्म, हैंड्स, फेस एंड नेक, विच एक्शन शुड द रिसीव प्रायोरिटी। क्वेश्चन क्या है, एक नर्स इमरजेंसी रूम में, इमरजेंसी वार्ड में वर्किंग कर रही है, क्लाइंट आता है सीवियर बर्न के साथ, कहाँ कहाँ पे? लेफ्ट आर्म पे, हैंड पे, फेस पे और नेक पे। तो पेशेंट को सबसे प्रायोरिटी में आपका एक्शन क्या होगा? स्टार्ट एन इंट्रावेनस फ्लूड, आई अप्लाइंग ऑक्सीजन, ऑब्टेनिंग ब्लड गैसेस एंड मेडिकेटिंग द क्लाइंट फॉर पेन। आंसर लिखिए पेज में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। The nurse is visiting a home health client with the osteoporosis. The client has a new prescription for Aldronate Fosamax. Which instruction should be given to the client? Questions क्या है, एक nurse है वो home visit पे गई है, जो client है osteoporosis का है, new prescription किया गया है Aldronate का, तो कौन से instruction वो देगी patient को, client को? पहला, rest in the bed after taking the medication for at least 30 minutes. Avoid rapid movement after taking the medication. तीसरा, take the medication with water only. चौथा, allow at least 1 hour between taking the medicine and taking the other medicine. पहला ऑप्शन क्या कहता है कि rest in bed after taking the medication. भाई आपको मेडिसिन लेने के बाद रेस्ट कर लेना एटलीस्ट 30 मिनट तक। दूसरा, अवॉइड रैपिड मूवमेंट, मेडिसिन लेने के बाद आपको रैपिड मूवमेंट नहीं करना है, मेडिकेशन हमेशा वाटर के साथ लेना। तीसरा ऑप्शन,
चौथा ऑप्शन क्या है, अलाउ द एटलीस्ट 1 आवर बिटवीन टेकिंग द मेडिसिन एंड टेकिंग अदर, इस मेडिसिन के बाद आपको 1 घंटे के बाद कोई दूसरी मेडिकेशन लेनी है। ये 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज द मेकिंग इनिशियल राउंड ऑन अ क्लाइंट विद अ C5 फ्रैक्चर एंड क्रच फिल्ड टोंग। इसकी इमेज देख लीजिएगा, क्रच फिल्ड टोंग की बहुत बार पूछी गई है। विच इक्विपमेंट शुड बी कैप्ट एट द बेड साइड। क्वेश्चन क्या है, एक नर्स जो इनिशियल राउंड कर रही है पेशेंट का जिसका C5 फ्रैक्चर होकर है और जिसको क्रच फिल्ड टोंग लग रखा है, तो कौन सा इक्विपमेंट हमेशा बेड साइड पर होना चाहिए। ऑप्शन ए, अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, एक फोर्सेप्स का पेयर, टॉर्क व्रेंच का एक टॉर्क व्रेंच होना चाहिए, अ पेयर ऑफ वायर कटर होना चाहिए, अ स्क्रू ड्राइवर या एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। आंसर लिखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन इन्फेंट वेज 7 पाउंड एट बर्थ, द एक्सपेक्टेड वेट बाय 1 ईयर शुड बी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक इन्फेंट का जो वेट है वो 7 पाउंड एट बर्थ है ना, एक्सपेक्टेड वेट एट 1 ईयर कितना हो जाएगा, ये पाउंड में देना है। आपको हर जगह वेट दे रखा है केजी में, लेकिन ये पूछ रखा है पाउंड में, ठीक है। 10 पाउंड, 12 पाउंड, 18 पाउंड या 21 पाउंड। अब आपको पहले तो केजी में आंसर होना चाहिए, 1 साल में कितना होता है, दूसरा केजी को पाउंड में बदलना भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं आती है तो सीख लीजिए और आंसर आप अपने पेपर पे लिख लीजिए। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद द इविंग सार्कोमा, विच सिम्टम्स वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू दिस ट्यूमर्स लोकेशन। क्वेश्चंस क्या है, एक क्लाइंट जिसको इविंग सार्कोमा हुआ है और सिम्टम्स कौन सा एक्सपेक्टेड होगा ड्यू टू दिस ट्यूमर लोकेशन, हेमिप्लेजिया होगा, अफेजिया होगा, नोजिया होगा और बोन पेन होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार निमांस में पूछा जाता है। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एपिलेप्सी हु इज बीइंग ट्रीटेड विद द कार्बामाज़ेपिन दैट इज अ टैग्राटोल, विच लेबोरेटरी वैल्यू माइट इंडिकेट अ सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। क्वेश्चन बहुत साफ है, एक पेशेंट, एक नर्स जो एपिलेप्सी हो रहा है उसकी केयर कर रही है, जो ट्रीट किससे हो रहा है, कार्बामाज़ेपिन से, तो कौन सी लैब वैल्यू इंडिकेट करेगी कि इस ड्रग के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हैं। पहला, यूरिक एसिड ऑफ 5 mg/dL, हेमाटोक्रिट वैल्यू 33%, WBC 12,000 पर क्यूबिक mm, प्लेटलेट 150,000 पर क्यूबिक mm। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू इनकी पता है तो इसका आंसर आप साफ साफ बता पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, 6 month old क्लाइंट admitted with the possible intussusception, which questions during the nursing history is helpful in obtaining information regarding this diagnosis। questions क्या है, एक 6 महीने का क्लाइंट है जिसको पॉसिबल है intussusception होने का, तो कौन सा क्वेश्चन आप नर्सिंग हिस्ट्री में पूछेंगे जिसको आपको उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने में आपको आइडिया लगेगा। ये क्वेश्चन समहाउ पूछना चाह रहा है। पहला, टेल मी अबाउट हिज पेन। दूसरा, what does his vomit look like। तीसरा, डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट। एंड चौथा, हैव यू नोटिस चेंज इन हिज एब्डोमिनल साइज। अगर आपको इंटरसेप्शन के बारे में पता है तो आप इसके बारे में अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आंसर लिखिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विद अ डायबिटिक क्लोसिस टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फूड, विच फूड शुड बी अवॉइडेड। एक पेशेंट जिसको डायबिटिक क्लोसिस हो रखा है, नर्स उसको असेस कर रही है फॉर एप्रोप्रिएट फूड के लिए, तो कौन सा फूड अवॉइड करना है। पहला, ब्रेन। दूसरा, फ्रेश पिचेस। तीसरा, कुकुम्बर सलाद। और लास्ट है एस्ट्रोल, ठीक है। इसका मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, आप अभी लास्ट में नहीं देख रहे हैं, है ना। लास्ट में इसके आंसर मैंने दे रखे हैं, लेकिन आप अगर देख भी रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, सिंपल सी बात। क्वेश्चन 12, अ क्लाइंट हैज़ अ रेक्टल कैंसर एंड इज शेड्यूल्ड फॉर एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट जिसको रेक्टल का कैंसर था और उसका शेड्यूल्ड हुआ एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शंस का, तो केयर के लिए कौन सी पोस्ट ऑप के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग केयर। टीच हाउ टू इरीगेट द इलियोस्टोमी। दूसरा, स्टॉपिंग द इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन द इंसिशनल एरिया। तीसरा, एनकरेजिंग द हाई फाइबरस डाइट। और चौथा, फैसिलिटेटिंग द पेरिनियल वुंड ड्रेनेज।
इसका आंसर अगर आपको कॉलोस्टोमी या इलास्टोमी केयर अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप वहाँ से भी दे सकते हैं। अगर आपको इस इलास्टोमी के बारे में पता है, कॉलोस्टोमी के बारे में पता है, अगर आपको डाइट के बारे में भी पता है तब भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट आंसर लिख लिया। नेक्स्ट, द नर्स इज परफॉर्मिंग अ डिस्चार्ज टीचिंग ऑन अ क्लाइंट विद डायबिटिकुलाइटिस हु हैज़ बिन प्लेस ऑन अ लो रफेज डाइट, विच फूड वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस क्लाइंट डाइट। एक पेशेंट है जो डिस्चार्ज हो रहा है डायबिटिकुलाइटिस जिसको हुआ था उससे, और अभी उसको लो रफेज डाइट पे रखा गया है, तो कौन सा फूड आप इसमें से एलिमिनेट करेंगे? पहला रोस्टेड चिकन, दूसरा नूडल्स, तीसरा कुक्ड ब्रोकोली एंड चौथा कस्टर्ड। तो आंसर लिखिए आप, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यू मदर, द मदर आस्क वाई हर बेबी हैज़ अ लॉस्ट वेट सिंस ही वॉज बॉर्न, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेट लॉस इज। क्वेश्चन क्या है, एक मदर है जिसने अपना अभी बेबी बर्थ हुआ है, वो पूछती है कि वाई मेरी बेबी जैसा बर्थ हो उससे उसका वेट लॉस होता जा रहा है, तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी इस वेट लॉस के लिए? पहला, द बेबी इज डिहाइड्रेटेड ड्यू टू पॉलीयूरिया, यूरिन हो ज़्यादा होने की वजह से बेबी डिहाइड्रेटेड हो रहा है। द बेबी इज हाइपोग्लाइसेमिक ड्यू टू द लैक ऑफ ग्लूकोज। तीसरा, द बेबी इज एलर्जिक टू द फॉर्मूला द मदर इज गिविंग हिम। चौथा, द बेबी कैन लूज अप 10% ऑफ वेट ड्यू टू द मेकोनियम स्टूल लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड एंड इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। है ना, अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ रखी है तो आपको ये आंसर अच्छे से, इवन आपने वेट का भी पढ़ रखा पीडियाट्रिक में तो भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आंसर लिख लिया आपने, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ लेरिंजियल कैंसर, विच फाइंडिंग असर्टेन्ड इन द हेल्थ हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन फॉर दिस डायग्नोसिस। क्वेश्चन क्या है, एक नर्स एक पेशेंट को जिसको लेरिंजियल कैंसर हो रहा है उसकी केयर कर रही है, कौन सी फाइंडिंग इसमें असर्टेन होगी हेल्थ हिस्ट्री में जो इस डायग्नोस के लिए कॉमन नहीं है, नॉट बी कॉमन है ना। पहला, फाउल ब्रेथ, दूसरा डिसफेजिया, तीसरा डायरिया और चौथा क्रॉनिक हिकअप्स। आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ रिमूवल ऑफ द लेफ्ट लोअर लोब ऑफ द लंग्स इज परफॉर्म ऑन अ क्लाइंट विद द लंग कैंसर, विच पोस्ट ऑपरेटिव मेजर वुड यूजुअली बी इंक्लूडेड इन द प्लान। क्वेश्चन समझिए, अ रिमूवल ऑफ द लेफ्ट लोअर लोब ऑफ द लंग्स, एक पेशेंट का लेफ्ट लोअर लोब ऑफ द लंग्स को रिमूव कर लिया गया है, विच पोस्ट ऑपरेटिव मेजर वुड यूजुअली बी इंक्लूडेड इन द प्लान। कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव मेजर हमको प्लान में इंक्लूड करना है? पहला, क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज, दूसरा ट्रेकियोस्टोमी, तीसरा मीडियास्टाइनल ट्यूब, चौथा पर्कशन वाइब्रेशन एंड ड्रेनेज। ये भी बहुत सीधा सीधा आंसर है, चलिए आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं आप, इसको करने के बाद 25 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितना आंसर आपका सही आया, और आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग, अगर 1-4 की भी आप नेगेटिव मार्किंग रखेंगे तो आफ्टर 25 मार्क्स आपने कितने गेन किए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो फर्स्ट जिसका होगा मैं उसका नाम अनाउंस करूँगा, ये भी कर सकते हैं अपन। 6 आवर आफ्टर बर्थ द इन्फेंट फाउंड टू हैव एन एरिया ऑफ स्वेलिंग ओवर द राइट पेराइटल एरिया दैट डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, द नर्स शुड चार्ट दिस फाइंडिंग एज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी एग्जाम में। 6 घंटे बाद, 6 घंटे हो गए बर्थ के बेबी के, और स्वेलिंग हो रखी है राइट पेराइटल एरिया में जो कि सूचर लाइन को क्रॉस नहीं किया है ना, तो नर्स क्या फाइंडिंग प्रेसिपिटेट करेगी, क्या फाइंडिंग होगी, क्या सिफेल हेमाटोमा है, क्या मोल्डिंग है, क्या सब ड्यूरल हेमाटोमा है, क्या कैपुट सक्सीडेनम है। अगर इसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे इमेज सेक्शन में जाइए, वहाँ मैंने इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है ना। तो आंसर लिखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नर्स इज असिस्टिंग द RN विद द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट विद द इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, व्हाट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन इज असेंशियल। द नर्स असिस्ट कर रही है एक डिस्चार्ज में जिसको डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट किया है, तो डिस्चार्ज के टाइम पे क्या इंस्ट्रक्शन देने असेंशियल रहेंगे? पहला, यू कैन नॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड इन माइक्रोवेव,
फर्स्ट ऑप्शन, यू शुड अवॉइड मूविंग द शोल्डर ऑन द साइड ऑफ द पेसमेकर साइड ऑफ द सिक्स वीक. तीसरा, यू शुड यूज योर सेल फोन ऑन योर राइट साइड. चौथा, यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई ऑन अ कमर्शियल एयरलाइनर विद द डिफिब्रिलेटर इन प्लेस. ठीक है, क्वेश्चन डिफिब्रिलेटर के बारे में और आपको इंस्ट्रक्शन, आपको डिफिब्रिलेटर के बारे में इंस्ट्रक्शन पता है तो आप इसको आराम से आंसर कर पाएंगे. आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अ क्लाइंट इन द कार्डियक स्टेप डाउन यूनिट रिक्वायर्स सक्शनिंग फॉर एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन. द नर्स शुड बी मोस्ट केयरफुल टू मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच डिसअरेथमिया ड्यूरिंग द प्रोसीजर. क्वेश्चन बहुत ईजी है. एक क्लाइंट जो कार्डियक स्टेप डाउन यूनिट में है और रिक्वायर्ड सक्शन, उसको सक्शनिंग की रिक्वायर है क्योंकि एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है. द नर्स शुड बी मोस्ट केयरफुली टू मॉनिटर द क्लाइंट ऑफ विच डिसअरेथमिया. इस एक्सेस सिक्रेशन को सक्शन करने के दरमियान कौन सा अरिदमिया या कौन सा डिसअरिदमिया दिस प्रोसीजर के दरमियान हो सकता है? क्या ब्रेडीकार्डिया हो सकता है, क्या टिकीकार्डिया हो सकता है, क्या प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट हो सकता है या हार्ट ब्लॉक हो सकता है? देखो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन को समझाने का सेंस ये है कि आप क्वेश्चन को समझ पाए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना. ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, पेपर में भी आपको यही समझना होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. अगर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अगर आप ये समझ लेंगे तो आंसर आप आराम से निकाल लेंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट शेड्यूल फॉर अ सर्जिकल रिपेयर फॉर सेक्युलर एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म. Which assessment is the most crucial during the pre-operative period? एक नर्स है जो क्लाइंट को शेड्यूल्ड हुआ है सर्जिकल रिपेयर सेक्युलर एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म का, तो विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल प्री ऑपरेटिव में ऐसा कौन सा असेसमेंट जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है वो असेस करना है आपको. पहला, असेसमेंट ऑफ क्लाइंट लेवल ऑफ एंगजाइटी, लेवल ऑफ एंगजाइटी को असेस करेगी. एवेल्यूएशन ऑफ द क्लाइंट एक्सरसाइज टॉलरेंस, उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस को. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरीफेरल पल्स, पेरीफेरल पल्स को आइडेंटिफिकेशन करेगी. या असेसमेंट ऑफ बाउल साउंड एंड एक्टिविटी. आंसर को लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट में. क्वेश्चन नंबर 21. अ क्लाइंट विद अ सस्पेक्टेड रेनल डिजीज एंड इज टू अंडरगो अ रेनल बायोप्सी. द नर्स प्लान्स टू इंक्लूड विच स्टेटमेंट इन द टीचिंग सेशन. एक पेशेंट जिसको रेनल डिजीज हुई है और अंडरगो जा रहा है रेनल बायोप्सी में, तो नर्स कौन सा स्टेटमेंट उसके टीचिंग सेशन में प्लान करेगी? पहला, यू विल बी सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर. दूसरा, पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर विल कॉज पेन और डिस्कम्फर्ट. तीसरा, यू विल बी गिवन सम मेडिकेशन टू एनेस्थेटाइज द एरिया. चौथा, यू विल नॉट एबल टू ड्रिंक फ्लूड फॉर 24 आवर बिफोर द स्टडी. आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन क्लाइंट विद द पॉसिबल परनीशियस एनीमिया. विच डाटा विथ सपोर्ट दिस डायग्नोसिस. एक पेशेंट जिसको परनीशियस डायग्नोस परनीशियस एनीमिया हुआ है, इनमें से कौन सा डाटा आपको सपोर्ट करेगा कि इसको परनीशियस एनीमिया ही है ना. पहला, अ वेट लॉस ऑफ 10 pounds इन 2 weeks. दूसरा, कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज. तीसरा, अ रेड बीफी टंग. चौथा, हीमोग्लोबिन लेवल 12.0 मतलब 12 ग्राम पर डीएल. इसका भी आंसर बहुत सीधा सीधा है. आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट में. अ क्लाइंट अराइव्स इन द इमरजेंसी रूम विद अ पॉसिबल फ्रैक्चर्ड फीमर. द नर्स शुड एंटिसिपेट एंड ऑर्डर फॉर. एक क्लाइंट है जो इमरजेंसी रूम में है और पॉसिबल है उसको फीमर फ्रैक्चर हुआ है, फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, तो नर्स इनमें से कौन सा ऑर्डर एंटिसिपेट करेगी, कौन सी एक्शन लेगी? कुल मिला के ये बात है, टेंडलन बग पोजिशन देना, आइस टू द एंटायर एक्सट्रीमिटी करना, बग ट्रैक्शन लगाना एंड अबडक्शन पीलो करना. ठीक है, आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अ क्लाइंट विद अ कैंसर इज अंडरगो एन इंट्रावेनस पायलोग्राम. द नर्स शुड. एक क्लाइंट जिसको कैंसर हुआ है वो IVP में गया इंट्रावेनस पायलोग्राम में. द नर्स शुड भी इसमें से क्या देखेगी? फोर्स फ्लूड 24 आवर बिफोर प्रोसीजर. आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी. तीसरा, होल्ड द मेडिकेशन दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर 12 आवर प्री एंड पोस्ट टेस्ट. चौथा, कवर द क्लाइंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ एक्सरे शील्ड. अगर आपको नर्सिंग के फंक्शंस अगर आपको याद हैं तो आप इसको भी कर पाएंगे, है ना. नर्सिंग के जो भी चाहे आप नर्सिंग प्रोसेस के हिसाब से देख लीजिए, चाहे आप अब्राहम मास्लो के हिसाब से देख लीजिए, है ना, तो आप वहाँ से समझ पाएंगे. लास्ट क्वेश्चन है.
द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ मैलिग्नेंसी, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर इज स्टेज, द नर्स शुड प्लान केयर ऑफ ट्यूमर। एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसको मैलिग्नेंसी हुआ, प्राइमरी ट्यूमर है, प्राइमरी ट्यूमर हो रखा है, तो नर्स उसमें से कौन सा प्लान केयर ऑफ में रखेगी। पहला दैट कैन नॉट बी असेस, दूसरा दैट इज इन सीटू, तीसरा विद इंक्रीज लिम नोड इन्वॉल्वमेंट विद डिस्टल मेटास्टेसिस। ठीक है, तो नाउ ये 25 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको इसका आंसर देना है और आप बिल्कुल ईमानदारी से आपके अब कितने आंसर सही है वो आप चेक करिए। 1 से 10 तक ये हैं, 11 से 20 का आंसर ये है और 21 से 25 का आंसर ये है ना। आफ्टर चेक करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा विथ नेम और आपके कितने स्कोर बने हैं ईमानदारी से, है ना। अगर आप यहाँ पे धोखा दे रहे हैं तो आप शायद YouTube के कमेंट सेक्शन में तो आप नाम बना लेंगे, लेकिन आप अपने आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, एक और इमेज है, कौन सा साइन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फाइनली थैंक यू सो मच, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नवीन है मेरा नाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।